top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कौन जाता है पर्चा? हम ही जाते हैं। चार घंटे जाते हो? नहीं, उस दिन बंद कर जाते हो उसको? हाँ, बंद कर जाते हैं। बस संडे बंद रहता है, सैटरडे बंद रहता है, पक्का है? हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड का सर ऊपर कर ले साइड ना जो ऊपर हो वो तू ए ऊपर कर ना सुन कर उठा ये हटा ऊपर ऊपर कर ऊपर डाल हां बोल दे कैसे अब तेरे उस्ताद से कौन पढ़ाता है जरूरी काम है ना ये सट्टे का मामला नहीं 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 कितने साल बाहर छह तो साले ही सर नहीं ली पिछला और काम क्या करते हैं यही करते हैं पांच हजार महीने में तो इतना बड़ा रिस्क ले काम कर रहे हो अरे कैसे हो जाएगा तुझे बता दो फूट बोल दे मैं मतलब नहीं है पांच हजार प्लस क्या पास खर्चे बोले नहीं क्या जी पता नहीं कहाँ से सर कहाँ से सर कान है खोल नहीं सर हेलो तो होंडा के सामने सीधा रोड आ रहा बड़ा वाला गोल चक्कर है उसके पास में एटीएस सोसाइटी है टाउन फाइव होंडा सिटी नहीं नहीं रोड पार कर गया चौकी वाला जो रोड है ना करना सर मोबाइल छीन हाँ जी सर करूंगा मदद पूरी करूंगा सर मुस्कुराओ अरे इधर देखना कैमरा तरफ देख भाई गर्व से कहो हम सटोरिए हैं हाँ सही बात है क्या दिक्कत है अबे क्या है बड़ अच्छी बात अरे इंग्लिश में कर रहा है यार लगते हो बड़े अच्छे लगते हो टोपा मास्टर तुम इधर टोपा मास्टर इधर देख इधर देख ये हां भाई सही रास्ते हमारा सर एक ही कमरा है वो जो भी आता है तू कैसा कर रहा बुड्ढा सा वो बढ़िया करके हंस के चार्ट बनाओ उस पर सेव उतारे पेपर बनाओ नहीं पेपर तो बड़ा वाला पेपर तो बड़ा पेपर अरे लैपटॉप में में भी गजब लोगों दे रखा है वो हवा खिला रहा है ये शो हैक कराया था कल ये कोई दूसरा मामला जी तो अभी लेटेस्ट है कोई और है मामला जी तो और है ना ये तो लेटेस्ट है हम तो यहाँ आ गए ना कोई सावन काफी समय से पहले से गायब है बता रहे सब कर रहे हैं नाम भी है तुम्हारा चार लोग पूरा नाम बताओ पिताजी का नाम कौन चार लोग हैं कौन लेके आया क्या काम कर रहे थे तुम यहाँ पे तेज बोलो थोड़ा सा M6 में काम कर रहे थे नमित सिंगल है पापा का नाम गिरीश कुमार सिंगल सर यहाँ सट्टा लगा रखा था
कितने दिन से कर रहे थे और क्या क्या करते थे उसमें सट्टे बाजी में? सर 8 महीने चल रहा था। किस टाइप का सट्टा चलता था? सर एक गोल्ड चांदी फेंकना खरीदना। इसमें कितने लोग शामिल थे तुम लोग? हम 4 जने काम करते थे। अच्छा, किसी कंपनी के नाम से कंपनी बना रखी थी या ऐसे ही कोई चल रहा था? बस ऐसे ही चलता था। मालिक कौन है? मालिक अतुल जिंदल। अतुल जिंदल कहाँ रहते हैं? वो गाजियाबाद में रहते हैं। रिपोर्टिंग किस जगह पे है ये उन्होंने नहीं बताया, उस खाली फोन में बात होती थी उनसे। आप कितने लोगों का गिरोह है पूरा, कितने सदस्य हैं? 4 हम यहाँ काम करते हैं। तो इसमें सोना चांदी का जो तुम बता रहे हो क्या होता था, इसमें कैसे क्या करते थे? क्लाइंट का फोन आता था और वो कहता था कि रेट आ रहे हैं, रेट बता देते हैं, हम सामने चलते हैं और बस एक बैग दो खरीद लो कहता था, वो हम कर देखते थे कागज पे, बस ये काम था। इसके पहले भी तुमने कहीं काम किया? नहीं। कितने किस लेवल पर था ये आपका, किस लेवल पर होता था? क्या इंटरनेशनल लोग भी जुड़े हुए थे इससे? डेली कितने का बिजनेस होता था पूरे यहाँ? कितने का सौदा होता, खरीद बेच कितने का हो जाता था? 30-40 लाख रुपए। 30-40 लाख पर डे? 30-40 लाख रुपए। क्या मेहनत कर रहे हैं? बोल दिया। नाम क्या है तुम्हारा? हनुसान गोयल। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? सट्टे का काम कर रहे थे। किस लेवल पे सट्टा चलता था यहाँ पे? ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, सेविंग्स के था। पर डे कितनी इनकम करते थे यहाँ से? नाम क्या था? पर डे कभी 10 कभी 20 कभी 5 ये था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो। कब से लिप्त हुए? 8 महीने हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? शेंकी। कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। यहाँ क्या करते थे? यहाँ लोगों को काम करवाते थे। कैसा काम कराते थे? गोल्ड चांदी का रिपोर्ट। गोल्ड चांदी की परचेजिंग और सेलिंग करवाते। तो सट्टा किस तरीके से करते थे तुम यहाँ पे? जैसे फोन आता था, एक गोल्ड प्लस कर दो एक महीने। तो कैसे होता है पूरा थोड़ा बताओ। बस फोन आता था कि एक गोल्ड प्लस कर दो, सामने से स्क्रीन पे से रेट देख के प्लस कर देते थे। क्या नाम भी है तुम्हारा? संचित। संचित यहाँ क्या कर रहे थे तुम? काम करता था। कितने दिन से सट्टा चल रहा था तुम्हारा इस बिल्डिंग के अंदर? इस बिल्डिंग में 2-3 महीने हो गए। दो तीन महीने। इससे पहले कहाँ पे चल रहा था? इससे पहले गाजियाबाद। क्या पढ़ाई किए हुए आप? 12th पास। 12th पास हो। कितने लोग हैं टोटल? 4 ही हैं। 4 लोग हैं। इसके अलावा पूरा कितना कितने का गैंग है? हाँ जी, कितने का गैंग है टोटल? इसके अलावा कोई गैंग नहीं। इसका मेन सदस्य कहाँ पर रहता है? गाजियाबाद में। क्या नाम है उनका? अतुल जिंदल। किस टाइप का सट्टा यहाँ पे चलता था? हाँ जी, किस टाइप का सट्टा? ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, लेवल। किस टाइप का, किस चीज में सट्टा चलता था? गोल्ड सिल्वर में, M6 कमोडिटी में चलता था। तो सारे रिकॉर्ड लगे जो किराए पे दे रखे हैं, उसी का मकान है ये। जो सील होगा ये भी। हाँ, शेंगी शर्मा जी घुस रहे हैं इसमें, लिखा दोनों ही मेरे सामने। बैग में रखना है, इसमें
आज ये मामला एटीएस में क्या हुआ है? ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एटीएस में सट्टे का कारोबार हो रहा है। इसी सूचना पर मेरे द्वारा इनको वारंट जारी किया, सर्च वारंट। उसी पे जब आके यहाँ चेक किया गया तो यहाँ पर एलसीडी और लैपटॉप्स पे सट्टे की कार्रवाई चल रही थी। उसमें जब तहकीकात किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ लाखों करोड़ों का गोल्ड का सट्टा लगाया जाता है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई अधिकृत, ये किसी कार्य के लिए अधिकृत है। इनके द्वारा प्रतिदिन कई किलो सोने का लेन देन खरीद फरोख्त किया जाता है और उसमें सट्टा लगाया जाता है। और जो मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन से बताया गया कि जो इनके ग्राहक हैं उनको ये MCX का बताते हैं कि MCX तो इनको हिरासत में लिया गया है, चार लोगों को। इनका जो मुखिया है अतुल जिंदल, वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये उन्हीं का फ्लैट क्रैक किया हुआ है, यहीं पर ही अपना इस तरह का सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ से LCD मोबाइल्स, कॉर्डलेस टेलीफोन और लैपटॉप्स बरामद हुए। किस लेवल पे यहाँ पर सट्टाबाजी चल रही है? काफ़ी मास स्केल पे चल रहा है क्योंकि इनका जो कागजात मिले हैं वो बोरियों में भरे हुए हैं और उन कागजात के परिशीलन से ये लग रहा है कि प्रतिदिन 50-60 किलो या कई लाख का सट्टा इनके द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। ये आपड़ों में पहले छोटा करता था। ये थाना कौन सा था? ये लगता है इसमें? ये कासना लगता है। कासना लगता है ना? जी। उदय। खबर पे करा है? मेरा तो। गलती करिए पेंट वेंडो ले। Hmm.